लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नवे रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल हुई। ईरानी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी भी पहुंची थी। स्मृति ईरानी ने आपको बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसी के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को सौगात दी। मथुरा में शिक्षा विभाग में 19 शिक्षकों की फर्जी भर्ती का मामला सामने आया। जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी ने 19 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। 19 शिक्षकों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 2016 का यह पूरा मामला है। मुरादाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया। खुद को पाकिस्तानी बताने वाली हयात भी दरअसल मेरठ की बुसरा निकली है। मानसिक हालत ठीक न होने के कारण बुसरा मेरठ से किसी तरह मुरादाबाद जा पहुंची, जहां पर एक युवक ने उसे लाभारी समझकर GRP के हवाले कर दिया। जब GRP ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ। देशभर में 46 जगहों पर प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी आयोजन हुआ। केंद्रीय नागरिक मंत्री BK सिंह ने इसमें शिरकत की और 167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सीतापुर के माहौली क्षेत्र में बड़ागांव में लकड़ी माफिया ने पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान माफिया ने पत्रकारों की जमकर पिटाई की। लकड़ी माफिया ने पत्रकारों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस अब जांच कर रही है और कार्रवाई की बात की जा रही है। बड़वानी के सिंधवा में लोकायुक्त की टीम ने आपको बताया कि छापामार कार्रवाई की है। कार्यालय में CEO रविकांत उइके को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सचिव सुनील ब्राह्मणे से मनरेगा कार्यों में कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत सचिव ने SP लोकायुक्त से की, जिसके बाद कार्रवाई की। लखनऊ के बक्सी का तालाब में स्थित राम सागर मिश्रा अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के समय पर ना आने के चलते दर्जनों मरीजों को लाइन में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के चलते अनादेवी टीवी की टीम भी मौके पर पहुंची, मरीज से बातचीत की। मरीजों का कहना है कि लैब टेक्नीशियन समय पर नहीं आते हैं। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ राज्य में भूस्खलन, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। हरिद्वार में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जोरों पर है। CMO मनीष दत्त ने कहा कि डेंगू को लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी समय समय पर मीटिंग ले रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लक्सर की खड़ंजा रेलवे फाटक पर RPF, GRP और पुलिस की मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने तीनों पुलिस विभागों का रिस्पांस टाइम चेक किया। दरअसल आज सुबह 11 बजे अचानक कंट्रोल रूम से RPF, CRP और पुलिस को सूचना मिली कि खड़ंजा रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा हुआ। टाटा मैजिक गाड़ी ट्रेन से टकरा गई, जिसके बाद मॉक ड्रिल की गई और जानकारी जुटाई गई। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। अखोदा महाराजपुर सहित कई पंचायतों में किसान जो हैं SDM कार्यालय पहुंचे, SDM से लेखपालों की शिकायत की। उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह ने इस पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं की बात सुनी और मुआवजे का आश्वासन दिया। सिराली में 6 महीने बाद फिर से चोरी का मामला सामने आया। सिराली थाना क्षेत्र के जात्रा खेड़ी में चोरों ने किसान के घर से ज्वेलरी समेत 6 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस अब डॉग स्क्वाड की मदद से जांच कर रही है। बांदा पुलिस ने चोर गैंग का खुलासा किया है। आपको बताएं कि इस टीम में महिलाएं भी मौजूद थीं और महिलाओं के आसपास भीड़भाड़ के इलाके में जाकर लोगों के साथ चेन, मंगलसूत्र, स्नेचिंग और जीप काटने की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा किया है। 5ों महिलाओं को जेल भेज दिया है। अशोकनगर में ढोल 11 के अवसर पर भव्य विमानोत्सव का आयोजन हुआ है। इस दौरान शहर में धर्म में माहौल देखा गया।
और बड़ी तादाद में भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सुंदर पालकियों में विराजित नगर का भ्रमण भी कराया गया। तुलसी सरोवर में जल विहार कराया। रास्ते भर में पुष्प वर्षा, आरती की। लोगों ने धर्म लाभ लूट लिया है। जगह जगह पर सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। बांदा में दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। दूसरे युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों के नाम संदीप, संतोष कुमार बताए जा रहे हैं। खरोली गांव की घटना है। मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। गोंडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दो बदमाश बुरी तरह से इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने आपको बताया कि पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। बदमाशों ने 22 सितंबर को फाइनेंस कंपनी की एजेंट के साथ लूटपाट की थी। बदमाशों के पास से लूट का पैसा, मोटरसाइकिल, असलाह, कारतूस बरामद हुए हैं। नोएडा में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोपी के कब्जे से अभी तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। पथरिया के जेरट चौकी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि बोरे में बांधकर व्यक्ति को फेंका गया। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुट गई है। लखनऊ में घर से अस्पताल जा रही मां बेटी के साथ बदमाशों ने छेड़छाड़ की। महिला अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए इटौजा के, आपको बताएं कि निकली थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है और बदमाशों ने रास्ते के बहाने जेवरात और पैसा लूटकर फरार हो गए हैं। जबलपुर में महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले लॉ स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम में संशोधन किए गए, जिसके खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। महाकौशल लॉ एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से लेकर कई बार मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की बैठक में पुलिस द्वारा दिव्यांग साद्दाम के साथ मारपीट की घटना की निंदा की गई है। ऐसे पुलिस कर्मियों को बर्खास्त और मुकदमा दर्ज करने की मांग भी हुई है। बैठक में तय किया गया था कि प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर दिव्यांगों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के मामले में कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। खटीमा के ग्राम हल्दी खेरा में 32 बोर के 5 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताया कि आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लखीमपुर खीरी में असलहा के दम पर युवक से लूट का खुलासा हुआ। पुलिस ने आपको बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपये जब्त किए हैं। सिंगाई थाना क्षेत्र का मामला है। 36,000 रुपये की लूट को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। शहडोल संभाग के रेलवे स्टेशनों से कोयले का परिवहन मालगाड़ियों के माध्यम से जारी है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे ने यात्री ट्रेनों को रोक दिया, जिसको लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रबंधक बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपा है। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों ने, एक प्रतिनिधि मंडल ने भी शहडोल रेलवे स्टेशन परिसर के सहायक रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महिला आरक्षण बिल पर मतभेद को लेकर आजाद समाज पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आरक्षण को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। चौधरी अमर सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, सरकार की कमियों को बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल में दलित, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक जाति के लोगों के लिए सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया। देवबंद के गांव ताजीपुर में खेत में काम कर रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावर मारपीट कर मौके से फरार हो गए हैं। अब पुलिस जांच कर रही है। योगी सरकार अपराध मुक्त प्रदेश बनाने में जुटी हुई है। कन्नौज के जिला कारागार में बंदियों को रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जेल से निकलने के बाद रोजगार प्राप्त अब ये कर सकेंगे। प्रशिक्षण में आपको बताएं कि करीब 60 बंदियों को दिया जा रहा है।
मुरादाबाद में डेंगू वायरस के प्रकोप से लोग परेशान हैं, मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। जम्मू पैक की समस्या देखी जा रही है। खून का कारोबार करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा। डिप्टी सीएमओ ने थाना सिविल लाइन पुलिस की तहरीर को लेकर कारोबारियों पर कार्रवाई की बात कही है। रायपुर डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांगोरा भाटा में पार्किंग को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रार्थी कृषि सोनी ने पार्किंग में रखी कार को हटाने के लिए आपको बताएं कि गया तो आरोपी देवेंद्र यादव ने मारपीट करना शुरू कर दी। इसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई। अब पुलिस इस पूरे मामले को निपटाने में लगी है। जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक महिला और पुरुष के बीच मारपीट हुई और इसकी हत्या कर दी गई। बन गुरगेला गांव की घटना है। भतीजे ने अपनी सगी चाची को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा है। चंदला में मंडी व्यापारियों ने स्थानीय युवक को रोजगार नहीं दिया, जिससे नाराज होकर युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि पहाड़ एवं मंडी संचालक नियमवरुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, रोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हमलावरों ने घर में घुसकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके चलते युवक ने मौके पर आपको बताएं कि दम तोड़ दिया। और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में अतिक्रमण का मामला सामने आया। हनुमान मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मांस मछली की दुकानों को 500 मीटर दूर व्यवस्थित किया जाए। अंबिकापुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक हुई है, जिसमें सभी पार्षद मौजूद रहे हैं। नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि अंबिकापुर शहर में जल संकट की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। अंबिकापुर शहर के लिए 2 से 3 महीने के लिए पानी सप्लाई बचा है। सतवास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महती योजना आयुष्मान भवा मेले का आयोजन किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत असंचारी बीमारियों की जांच व इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जालौन में बुढ़वा मंगल का पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की काफी भीड़ लग रही है। मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों ने भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन किए, श्रद्धा से पूजा पाठ किया है, अखंड रामायण सुंदरकांड और हवन पूजन किया, भंडारों का आयोजन किया। धरमजयगढ़ में यात्री बस पलट गई। आपको बता दें कि रायगढ़ से बगी चलाने वाली शमीम बस अनियंत्रित होकर पलटी है। दुर्घटना में एक लड़की की पैरों में चोटें आई हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं है। अहिरखेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम कालबराड़ में एक युवती नदी पार करते समय हादसे का शिकार हो गई। नदी में तेज बहाव के चलते युवती का संतुलन बिगड़ा, बहाव में बह गई। ग्रामीणों की सूचना पर टीम पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। बैरसिया के ग्राम सोहैया से करीला धाम के लिए यात्रा निकाली जा रही। युवा कांग्रेस नेता राजू यादव के नेतृत्व में यात्रा रवाना की गई। यात्रा गांव के मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई है। यात्रा ने पूरे गांव में परिक्रमा की। इस दौरान जगह जगह स्वागत हुआ है। सीएम शिवराज विदिशा में गणेश उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम के साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी, जिन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, गणेश जी के दर्शन किए हैं। इसके बाद मंदिर में ध्वजा पताका लहराई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा राजधानी रायपुर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी देखने को मिला। मंत्री मोहन मरकाम ने भाजपा पर निशाना साधा। मरकाम ने कहा कि जनता ने 2018 में परिवर्तन कर दिया है, प्रदेश में भाजपा सिमट गई है और भाजपा के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बातचीत की बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की है। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों ने कोविड के दौरान अच्छा काम किया, बाढ़ आपदा समेत हर परिस्थिति में कुशलता से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बीते 4 सालों में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीण काफी परेशान हो चुके हैं, सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। और मुंडवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई। सड़क की खराब स्थिति की वजह से ये परेशानी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस को बाहर निकाला है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरी सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हर हाल में जीत हासिल करेंगे और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। भारतीय एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। 30 लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंच चुके हैं, 25 विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर हैं, 3 EMI सेंटर में खड़े हैं और इन्होंने रिहर्सल किया है। कांग्रेस नेता श्री बल्ला प्रसाद बस्तर दौरे पर पहुंचे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, पार्टी मजबूत है, दमखम से लड़ेंगे। शिवराज कैबिनेट ने आपको बताएं कि पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के अंतर्गत कृषि फीडर पर स्थापित कृषि पंखों को बिजली देने की योजना लागू की है। योजना को लेकर MOU साइन हो चुका है। योजना पूरे कृषि फीडर को सनराइज करके सिंचाई के लिए बिजली मुहैया कराई। जगदलपुर बस्तर परिवहन संघ और जे झाड़ेस पर परिवहन संघ ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नगर चलो नार चलो के नारे के साथ NMDC स्टील प्लांट का विरोध भी किया। लोगों ने गेट पास और स्थानीय परिवहन संघ को कार्य देने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 सितंबर को काला पीपल के दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वादा खिलाफी पर माफी मांगनी चाहिए, कमलनाथ राहुल गांधी से झूठ बुलवाते हैं। सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिए गए। रीति पाठक ने कहा है कि सौभाग्य की बात है, हमारे पास कई नेता हैं, मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा।